शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 12/11/10। मीठे मीठे बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आज का प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? तो कौन से समय पर होती है? तो बाबा समझा रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति में हमारी अवस्था यदि अच्छी है तो उससे सेवा होती है। तो उसका उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो तो ये है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर हम आकर राज्य करेंगे। तो अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सेल्वेज करना है। धारणा के लिए आज का मुख्य सार कहता है, नंबर 1, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। बाबा लौकिक धंधा करने की मना नहीं करते, परंतु समय को सफल करने के लिए रूहानी धंधे में भी अपना समय देना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान भी करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे कि हम बेघर से क्या बन रहे हैं, प्रिंस बन रहे हैं। वरदान आज का, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति के द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर हम सदा विजयी रहे, उसको कहते हैं निर्विघ्न। अब ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है
तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन है साइलेंस की पावर से, माना शांति की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, अर्थात नकारात्मकता को परिवर्तित कर हम स्वयं को सकारात्मक बनाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे